लगवा रही है बुआ से, देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है बुआ ने। तो अगर गलत हो जाएगा तो फिर हम लोग पहुंच सकते हैं मेहंदी को। और देखिए मम्मी और बुआ हंस रही है ये सुन के। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ लाइव विद अनिका में, और मैं भी लगवाऊंगी ये, और अभी मैं भी लगवाऊंगी पुआ से। तो बता अच्छी लग रही है? और बताइए अच्छी लग रही है मेहंदी? तो अगर आपको अच्छी लग रही होगी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय। और फाइनली ये मेरे मेहंदी लग चुकी है, देखिएगा कैसी लगी है। इस हाथ पर मैंने ये पीछे की साइड नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि इसका क्या रीजन था ये देखिए, क्योंकि ये ही पीछे पड़ गई। ये हमारी किट्टू रानी की मेहंदी, ये देखिए खूबसूरत लग रही है ना ये। अब देखते हैं कैसी रचती है। आज है तीज का त्योहार, जो मैंने कल रात को मेहंदी लगवाई थी वो कुछ इस तरह से रची है, देखिएगा कैसी रची है बताइएगा। और इस हाथ पर नहीं लगवाई पीछे, क्योंकि हमारी किट्टू रानी ने लगवाई थी, तो इस वजह से फिर टाइम भी बहुत हो रहा था ना रात को। और ये है लड्डू गोपाल के कपड़े, कैसे लग रहे हैं आपको बताइए ज़रा। अब मैं उनको पहनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल को, नहला के धुला के। और ये है माता रानी के कपड़े, ये देखिए ये माता रानी के कपड़े हैं ग्रीन कलर के। ये हैं लड्डू गोपाल के कपड़े। और ये बताइएगा दोस्त कैसा लगा ये मैंने ऑनलाइन काफी पहले मंगाया था। Thank you.
आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, दोपहर का खाना तैयार है। आज है तीज का त्योहार और हमारे यहाँ हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, बहुत सारी लेडीज व्रत नहीं रहती हैं। आज के दिन मान्यता ये है कि पार्वती मैया ने भोलेनाथ को पाने के लिए 107 जन्म लिए थे और उसके बाद जो 108वां जन्म था तब उनको वो पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो इस दिन जो है सारी लड़कियाँ व्रत रखती हैं और कुछ कुंवारी लड़कियाँ हैं वो भी व्रत रखती हैं, पर अपने अपने यहाँ की अलग अलग मान्यता है। कोई ऐसा कोई फाउंडेशन तो नहीं है कि व्रत रखना ही रखना है। उनको दवाई दिलवा के लाए, उससे पहले भी उनको दवाई दिलवाई थी, उनको फीवर आ रहा है और फीवर भी अभी तक सही नहीं हुआ है। अब फीवर थोड़ा बहुत सही भी हुआ है तो उसके बाद अब उनको कुछ कोल्ड सा मालूम पड़ रहा है तो फिर दवाई दिलवा के लाए। वो हमारा आज का शाम का ये तीज का त्यौहार ऐसा है, कुछ उनको दवाई दिलवा के लाए और अभी जस्ट अपनी किट्टू नानी को भी दवाई दिलवा के लाए हैं। वैसे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फेस पर छोटे छोटे से मोल्स आ रहे हैं। छोटे बच्चों को नहीं होने चाहिए इस टाइम और आजकल के बच्चों को तो नहीं होती है ये प्रॉब्लम, पहले होती थी। दिखाया हमने होम्योपैथिक के डॉक्टर को तो उन्होंने बोला कि ये नेचुरल है, बट छोटे बच्चे हैं तो आप अभी से केयर नहीं करोगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये दवाई दी है पानी में डाल के पी लें या फिर जीप पर जस्ट अभी दवाई भी दिलवा के ला रहे हैं दोनों बच्चों को। एक पहले उनको दिलवा के लाए, अभी उनको दिलवा के लाए हैं और ये जेल दिया है। बाद बाकी सारी चॉकलेट टॉफी वगैरह है ना सब मना करिए ना खाने के लिए, सब चीज़ मना करिए। बाद बाकी सब हेल्दी चीज़ें ही, फ्रूट्स वगैरह वैसे भी खाती हैं ये, पर और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई इनके लिए। ये चने मिट्टू रानी के लिए और किट्टू रानी के लिए किशमिश टाइप तो चलते ही रहते हैं जो भी है। बस यही हमारा आज का तीसरा त्यौहार था। बस मैं विश करती हूँ सब लोग खुश रहें, सबके बच्चे भाई सुखी रहें, कोई दिक्कत ना हो और दवाई वगैरह तो अभी सीजन भी चल रहा है बच्चों का, ध्यान तो रखना पड़ेगा थोड़ा। मिट्टू रानी भी थोड़ा बाहर बैठी है, दवाई दिलवाई है। आज के लिए बस इतना ही।